फॉर्मूला वन पिनिकल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स, ये किसी रॉक शो से कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, एक्शन है, इमोशंस है और यहाँ तक कि प्यार भी है। एंड इस रॉक शो के रॉक स्टार्स होते हैं F1 ड्राइवर्स। फॉर्मूला वन की ग्रिड पे हर साल 20 ड्राइवर्स होते हैं और ये 20 ड्राइवर्स किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। बिलियंस में इनके फैंस हैं, लड़कियां इन पे मरती हैं, मीडिया हाउसेस इनके पीछे भागते हैं एंड आए दिन किसी ना किसी टॉक शो में ये जाते रहते हैं। बट सब पागल क्यों है इनके पीछे? गाड़ी तेजी तो चलाते हैं। यहाँ गुड़गांव में रात को चले जाओ, तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे गाड़ियां सड़कों पे भगाते हुए। डिफरेंस आता है एट द स्टेज दे आर परफॉर्मिंग एंड फॉर्मूला वन का स्टेज पे इजी नहीं है जाना। तो डाउट आता है कि ये 20 लोग फॉर्मूला वन में पहुंचे कैसे? वेल, आई एम कनव, योर फ्रेंडली नेबरहुड फॉर्मूला गाय, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम एन F1 ड्राइवर स्पेशली फ्रॉम इंडिया। मैं डिटेल में पूरा रोड मैप बताऊंगा एंड हर माइलस्टोन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई डिटेल मिस ना हो जाए। यार ये टॉपिक इजी नहीं था, तो माय फ्रेंड आदित्य हु इज अ कार्टिंग रेसर से हमने बात करी। आदित्य ने इंडिया को काफी कार्टिंग कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हाय आदित्य, हाउ आर यू? हे कनव, हाउ आर यू? रोडमैप से पहले लेट्स डिस्कस कि इंसान में होना क्या चाहिए टू बिकम एन F1 ड्राइवर। एंड अगर आप डायरेक्टली रोड मैप पे जंप करना चाहते हो देन दिस इज द टाइम स्टैम्प। अब जितने भी एथलीट्स होते हैं सब में एक चीज कॉमन होती है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा लेती है, चाहे आपको उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो। इफ यू आर डिटर्मिन इनफ तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यार लोग कहते हैं इट्स बेस्ट टू स्टार्ट अर्ली, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आई मीन गवर्नमेंट खुद 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं देती। तो F1 पिनिकल ऑफ स्पोर्ट है, पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। So like how you say Rome wasn't built in a day, same with F1. तुम्हें like काफी holds cross करने हैं। You have to start with basic karting, which is what I do, and then you have to go to F4, F3, F2. So such as like drivers like Charles and Lewis Hamilton started when they were 6 or 11 years old, and Max started when he was 3 and shows. But Formula One driver बनने के लिए determination से आगे भी बहुत कुछ चाहिए। And one such thing is talent. I mean, determination तो काफी लोगों के पास होती है, but talent ही है जो कि pinnacle of motorsports तक आपको पहुंचा सकता है। यार but I think talent तो हर स्पोर्ट्स में होता है ना? हाँ, but you need to have a general knack for the sport. कि वो reaction time हो, कि क्या करना है, कब करना है, especially because such a fast sport, you need to know what you have to do. And talent will always keep you one step ahead of the crowd. And as you know, there are only 20 seats in F1 and you're competing with everyone in the world. ठीक है, determination हो गया, talent हो गया, but I think आपको एक और चीज़ चाहिए, पैसा। Motorsport सस्ती नहीं है। आदित्य, मैंने काफी बार सुना है commentators को बोलते हुए कि he bought his way into F1. तो पैसा इतना important होता है? Yeah, so racing takes a lot of money, like a lot. And when you're starting out, you don't get any sponsors to go karting or even F4 or F3. So, but there are also F1 drivers who pay to drive, drivers such as Lance Stroll and Nicholas Latifi. So, and if you consider other sports such as cricket, basketball, you don't need a lot to even start out. You just need a bat or a ball. But in motorsport, you actually need to buy a helmet, which costs around 50,000 rupees. You need a suit, which costs a lot. And you require a lot of maintenance of your kart because it's your kart when you start out. So yeah, it requires a lot of money. Yeah, that does make sense. चलो ये सब तो ठीक है, but start कैसे करना है? Well, सबसे पहले आपको comfortable होना पड़ेगा karting से। अपने local go karting track पे जाओ और अच्छे से practice करो। जब आपका confidence build up होने लग पड़े and आप काफी तेज चलाने लग जाओ, तब आप reach out कर सकते हो Indian karting teams को। Arc Racing, Micro Racing, Mohite Racing कुछ ऐसी organization है जो कि काफी reputed है एंड ऑफर करती है एंट्री लेवल मोटर स्पोर्ट्स कोर्सेज, विच कैन बी रियली यूजफुल। पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट एन एडवाइस। इन कोर्सेज से आप सीखते हो रेसिंग रूल्स के बारे में एंड टेक्निकल नॉलेज भी मिलती है, जैसे ब्रेक्स कब लगानी है और सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या हैं, जो कि एक हर F1 ड्राइवर को पता होना चाहिए। ऊपर से ये आपको सिखाते हैं कि आप अपने कार्टिंग करियर के लिए स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो। एज आई टोल्ड अर्लियर, ये काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो स्पॉन्सरशिप होना इज फायदेमंद ओनली। इसके बाद आप नेशनल लेवल कार्टिंग चैंपियनशिप में कम्पीट कर सकते हो। इंडिया में दो मेजर कार्टिंग लीग्स हैं, रोटेक्स मैक्स कार्टिंग चैंपियनशिप और इंडी कार्टिंग चैंपियनशिप। रोटेक्स मैक्स चैंपियनशिप में 3 डिविजन्स होती हैं, माइक्रो, जूनियर और सीनियर। एंड इंडी कार्टिंग में भी 3 डिविजन्स होती हैं, कैडेट, जूनियर एंड सीनियर। सम बिग इंडियन टीम्स जैसे कि एम रेसिंग और रियो रेसिंग इन चैंपियनशिप में कम्पीट करती हैं एंड यूजुअली ये बिगर सिटीज लाइक हैदराबाद एंड बैंगलोर में होते हैं। दोनों चैंपियनशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट जरूर कर लेना।
अब इन दोनों चैंपियनशिप में कम्पीट करने का खर्चा को 6 से 20 लाख रुपए पड़ सकता है फॉर ईच ईयर। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। So let's close that gap to 1000 subscribers. It's hammer time. अब जब तुम कार्टिंग में रेसेस जीतने लग पड़ो तो नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुला रीजनल चैंपियनशिप्स। अब यहाँ अलग अलग कंट्रीज में ये चैंपियनशिप होती है। फॉर्मुला रीजनल जापानीज चैंपियनशिप, फॉर्मुला रेनो यूरो कप एंड फॉर्मुला रीजनल एशियन चैंपियनशिप काफी रिपीटेड है जहाँ वर्ल्ड के बेस्ट फ्यूचर ड्राइवर्स कम्पीट करते हैं। एंड एक गुड न्यूज है फॉर अपकमिंग इंडियन रेसर्स, क्योंकि 2023 से इंडिया में फॉर्मुला रीजनल इंडियन चैंपियनशिप होगी। एंड इस लीग को जीतकर यू कैन अर्न द सुपर लाइसेंस पॉइंट जो कि F1 ड्राइवर्स को चाहिए होते हैं। बट इट्स बेटर टू कम्पीट इन यूरो कप या एशियन चैंपियनशिप, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी अच्छा है और ट्रैक्स भी। अब पहले ही बता दूँ कि इट्स बेटर टू कम्पीट विद अ गुड टीम जिनके पास रिसोर्सेज और स्किल हो टू बिल्ड अ बेटर कार। बट फॉर्मुला रीजनल में कम्पीट करने के लिए आपको 2.5 से 3 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुला 3 चैंपियनशिप। F3 में अगेन ये बेटर है कि आप कम्पीट करो टॉप 3 टीम से ही, जैसे कि प्रेमा रेसिंग, ART रेसिंग या HRT रेसिंग। बट इन टीम्स को ज्वाइन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको स्किल्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होगा, एंड पैसा आएगा या तो स्पॉन्सर से या तो पापा की जेब से। ऑल्सो F3 में देर इज अ गुड चांस कि आप टॉप टीम्स जैसे कि फरारी, रेडबुल या मर्सिडीज की नज़रों में आ सको। ये टीम्स अपने जूनियर प्रोग्राम में यंग ड्राइवर्स को ट्रेन करती है फॉर F1 एंड F2 एंड प्रिपेयर करती है उनको फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनाने में। बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स में। चार्ल्स लेक्लर्क, सर्जियो पेरेस, एस्टेबान ओकॉन, मैक्स वर्स्टैपन कुछ ऐसे ही ड्राइवर्स हैं। एंड ये भी बता दूं कि F3 में कम्पीट करने का खर्चा कुछ 5 से 8 करोड़ रुपये पड़ सकता है हर साल का। अब अगर यहाँ तक का सफर ही डिफिकल्ट लग रहा है तो लेट मी टेल यू अबाउट F2 चैंपियनशिप। अब यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि आप F3 चैंपियन हैं, आपके पास काफ़ी अच्छे स्पॉन्सर्स हैं एंड स्किल वाइज भी आप काफ़ी टैलेंटेड हैं। अब F2 में भी आपको एक टॉप टीम से कम्पीट करने में ही फायदा है। टॉप टीम जैसे कि प्रेमा रेसिंग और ARTGP ही बेस्ट रहेंगी। F2 चैंपियन यूजली इन्हीं टीम से होते हैं, लेट इट बी चार्ल्स लेक्लर्क या मिक शूमेकर जो प्रेमा रेसिंग से चैंपियनशिप जीते थे, या जॉर्ज रसल और निक डेब्रीज जो ARTGP से जीते थे। एक साल का F2 का खर्चा 16 से 24 करोड़ रुपए पड़ सकता है। अब एक बड़ी टीम की बैकिंग या तो बहुत ही बड़ा स्पॉन्सर ही होना चाहिए, या लॉरेंस स्ट्रोल जैसे पापा। अब अगर आप चार्ल्स लेक्लर्क या जॉर्ज रसल जैसे टैलेंटेड ड्राइवर हो जिसने अपने फर्स्ट सीजन में ही F2 जीत लिया तो काफी सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको सीट बचानी है तो आपको 40 से 50 करोड़ का चेक रेडी रखना पड़ेगा। चलो अब आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, भर भर के मेहनत भी कर ली और F2 चैंपियन भी बन गए, बट इसके बाद भी इट्स नॉट गारंटीड कि आप F1 ड्राइवर बनोगे। यूजुअली टीम्स F2 चैंपियंस को रिजर्व ड्राइवर का रोल ही देती हैं, जैसे ऑस्कर पियास्त्री या निक डेब्रीज पहले टेस्ट ड्राइवर्स थे बिफोर गेटिंग अ सीट इनटू F1। ऑल्सो आपके कनेक्शन काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं टू गेट अ सीट इनटू F1। मिक शूमेकर या लैंस स्ट्रॉल जैसे नाम के लिए ईजी है टू गेट अ सीट इनटू F1। अब बहुत देर तक टेस्ट ड्राइवर रहने के बाद जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप F1 ड्राइवर बन जाओगे, यानी फॉर्मूला 1 के रॉक शो के एक रॉक स्टार। वैसे मेरे ओपिनियन में शायद एक असली रॉक स्टार बनना ज्यादा इजी होगा देन टू बिकम एन F1 ड्राइवर। एंड आई नो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जर्नी है। यार आई नो इट्स सो डिफिकल्ट टू बिकम एन F1 ड्राइवर, बट इसके अलावा और भी कोई सीरीज होती है जहाँ पे जा सकते हैं। F1 is the pinnacle of the motorsport, but there are many other prestigious series like Le Mans, IndyCar, Formula E, GT Championship that offer very exciting career prospects. Many successful drivers have found their passion and success in these alternate avenues, such as Lewis Hamilton's brother, who I met, races in British Touring Car Championship, which is a British-based championship where you run touring cars. Oh, I didn't know that. यार सबसे पहले तो थैंक्स टू आदित्य जिन्होंने हमारी हेल्प करी टू मेक दिस वीडियो हैपन। अगर तो आप उनको फॉलो करना चाहते हो तो उनके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा क्राउड फंडिंग कैंपेन भी आप उनका स्पॉन्सर कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करो। टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का यार, तो फटाफट से 100 लाइक्स तो दे दो।